व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग बड़े होंगे। आज को मैं एक और नए बीजीएमआई वीडियो के साथ, और गाइस इस पे अपन करने वाले हैं चैलेंज, फर्स्ट गन चैलेंज। और ये चीज़ मुझसे काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट करी थी कि यार फर्स्ट गन चैलेंज लाओ, या फिर आप कोई चैलेंजेस नहीं करते, चैलेंजेस लाओ चैलेंजेस लाओ। तो मैंने सोचा कि कौन सा चैलेंज करें। पहले मेरे दिमाग में आया SMG चैलेंज करते, तो फिर मुझे लगा यार वो तो बहुत ज़्यादा नॉर्मल चैलेंज हो जाएगा, तो मैंने सोचा फर्स्ट गन चैलेंज करते हैं। तो फर्स्ट गन चैलेंज करा, तो उसमें सबसे पहली दिक्कत जो मुझे फेस हुई वो थी, बहुत घटिया चीज़ थी पहली चीज़, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। मुझे पहले 15 से 20 मैचेस मिली शॉटगन, सिर्फ शॉटगन, और मैंने पूरा ट्राई करा। मैं एक बार #3 भी पहुँचा था, बट सिर्फ मेरे 6 किल थे, तो मैंने सोचा उसे अपलोड नहीं करता हूँ, मैंने डिलीट करा। मुझे हर गन मिली मुझे, बट AR नहीं मिल रही थी। मैं बार बार ट्राई कर रहा था, कंटिन्यू ट्राई कर रहा था, लगातार ट्राई कर रहा था। फिर हुआ कुछ ऐसा, मेरे दिमाग में आया कि मैं पिकअप ऑफ कर देता हूँ। मैं जल्दी मेरा ऑटो पिकअप बंद करा, मैं यहाँ पर कूदा ऊपर टेम्पल में, और यहाँ पर मैंने उठाई M416 देख के कि मैं कोई गलत गन ना उठा लूँ, और यहाँ M416 उठा के फिर मैंने करी तबाही स्टार्ट। अब गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बहुत ही खतरनाक चीज़ के बारे में बता देना चाहता हूँ, और वो चीज़ है 20 रॉयल पास गिव अवे के बारे में। अब गाइस जिसको नहीं पता कि 20 रॉयल पास गिव अवे क्या है, और मेरे चैनल पर ये 20 रॉयल पास गिव अवे कैसे चल रहा है, क्या रूल्स है, तो आपको सब कुछ बता देता हूँ। गाइस 20 रॉयल पास गिव अवे कुछ ऐसा है कि आप लोगों को मेरी तरफ से मिलेंगे एकदम फ्री 20 रॉयल पास, मतलब आप लोगों को एक सिंगल पैसा भी नहीं देना पड़ेगा उन रॉयल पास के लिए। मैं आप लोगों को 20 रॉयल पास दूंगा एकदम फ्री में। अब अगर आपको चाहिए तो आपको क्या करना होगा वो मैं अभी आपको बताता हूँ। गाइस अगर आपको चाहिए 20 रॉयल पास वो भी एकदम फ्री में, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ 3 ईजी स्टेप्स करने हैं, 3 या 4 मान लो, अगर उसे आप स्टेप काउंट करते हो तो 4 बहुत ही ईजी स्टेप काउंट करने हैं। अब वो स्टेप्स क्या है, आप में से काफ़ी लोग सोच रहे होंगे यार भाई क्या स्टेप है, क्या स्टेप है, बता बता जल्दी बता, हम अभी पूरा कर देते हैं। तो यार गाइज वो स्टेप ना आपके पैसे लगेंगे उस स्टेप में, कुछ भी नहीं है। आपको क्या करना है, आपको बस इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट बताना है वीडियो कैसी लगी, और इस वीडियो को एंड तक देखना है विदाउट 1 भी सेकंड स्किप करें। अगर आपने वीडियो को 1 भी सेकंड स्किप करा तो शायद आप रॉयल पास हार जाओगे, आप 20 रॉयल पास मुझसे नहीं जीत पाओगे। तो ये चीज़ ध्यान रखना, गलती से भी वीडियो को स्किप नहीं करना है। गाइस मैं आपको स्टेप्स एक बार फिर से रिमेंबर करवा देता हूँ, या फिर मैं आप लोगों को एक बार स्टेप्स फिर से बता देता हूँ 20 रॉयल पास जीतने का। तो फर्स्ट स्टेप है, इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा दो। सेकंड स्टेप, इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट से बताओ ये वीडियो कैसी लगी, ये सेकंड स्टेप है। थर्ड स्टेप है, इस वीडियो को बिना रुके या विदाउट 1 भी सेकंड स्किप करें, आपको ये वीडियो पूरी देखनी है। अगर आपने इस वीडियो को बीच में छोड़ दिया या फिर आपने स्किप कर दिया तो शायद आप गिव अवे हार जाओगे, क्योंकि मैं इस वीडियो में एंड में या फिर कहीं पर भी कुछ बहुत ही खतरनाक चीज़ बताने वाला हूँ, जिसके बिना शायद आप रॉयल पास ना जीत पाओ। तो वीडियो को एंड तक देखते रहना बिना रुके, और अब डायरेक्टली अपन चलते हैं गेम प्ले की तरफ। तो गाइज मैं ऊपर आता हूँ, मुझे पहली गन मिलती है M416, या फिर मैं M416 उठाता हूँ और यहाँ पर एक बंदे को नॉक करता हूँ, और मुझे आवाज़ आती है कि अभी भी इसका एक बंदा और बचा हुआ है। अब जिसको भी मिरर वर्ल्ड पसंद है यार, जल्दी से एक बार लाइक कर दो और कमेंट में बताओ कि आपको मिरर वर्ल्ड क्यों पसंद है। मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है मोड, क्योंकि इसमें अपन को बार बार चांसेस मिलती है जीने की, और अपन की केड़ी बढ़ सकती है। तो यार आप लोग भी कमेंट से बताना कि आप लोगों को मिरर मोड पसंद है कि नहीं है, और अगर है तो क्यों, नहीं है तो भी क्यों। तो अब यहाँ पर मिरर वर्ल्ड हम पूरा कंप्लीट कर देते हैं, या फिर जो भी मोड का ऊपर जो भी चीज़ होती है, मिरर वर्ल्ड ही कहते हैं शायद इसे, तो वो हम पूरा कंप्लीट कर देते हैं। और हम अब डायरेक्टली जाते हैं नीचे, मतलब अपने आप वो टेंपल फूट जाता है, मिरर वर्ल्ड ख़त्म हो जाता है, तो हम ऑलरेडी आ जाते हैं मिल्टा पे। अब यहाँ पर हम उतरते हैं और यहाँ पर हम डायरेक्टली जाते हैं आगे की तरफ, कि हम यहाँ पर हम जल्दी से, हमारा ट्राई था कि अभी मेरे पास M416 है, क्योंकि फर्स्ट गन M416 है, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा किल निकाल पाए, क्योंकि अब मैं वैसे ही बहुत लेट हो चुका हूँ आज गेम प्ले डालने में। ऑलरेडी 11 बज चुके हैं जब मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ, तो शायद डालते डालते ऑलमोस्ट 12 बज जाएंगे। तो मैं ट्राई करता हूँ कि यार इस वीडियो को जल्दी जल्दी बस मुझे अपलोड करना है, जिससे कि वो 30 डे 30 वीडियो चैलेंज रुके ना। और मैं ऐसे जब जैसे ही जा रहा होता हूँ, मेरा टीममेट मार्क देता है कि वहाँ एक बंदा है, उस बंदे को मैं जल्दी से यहाँ पर नॉक करता हूँ, और मैं आगे की तरफ बढ़ ही रहा होता हूँ। मैं मेरे टीममेट से कह देता हूँ कि तू उसे फिनिश कर यार, और अपन आगे की तरफ बढ़ता हूँ मैं। तो मैं जैसे ही उस घर वाले बंदे को मार के आगे की तरफ बढ़ रहा होता हूँ, तो मेरा पहला मोटिव था कि यहाँ पर मैं व्हीकल सर्च करूँ, जिससे कि मैं जाके फिर बंदे मार सकूँ यार, क्योंकि मुझे इसमें ज़्यादा से ज़्यादा किल चाहिए थी, क्योंकि मुझे एट लास्ट जाके फर्स्ट गन M416 मिली थी, जो मुझे बड़ी मुश्किल से मिली। तभी मुझे आवाज़ आती कि पीछे एक बॉट अगर बंदा है, और बॉट तो आपको पता है यार KD बढ़ाने का सोर्स है, तो उसको यानी सबसे पहले अपन मारते हैं, और यहाँ पर हम निकलते हैं आगे की तरफ, क्योंकि हमें यहाँ पर गाड़ी मिल जाती है। तो हम यहाँ से डायरेक्टली जाते हैं ऊपर, और आप ऊपर तबाही देखो तुम्हारा भाई क्या मारता है ऊपर। अब गाइस जो भी कह रहे हैं यार आपने सिंगल गन चैलेंज दिया था, तो यार ऊपर जाके मैं M416 तो चला सकता हूँ नहीं, तो ऊपर जो गन मिली उसको रहने दो, उसके बाद देखो तुम्हारा भाई वहाँ क्या तबाही मचाता है, कितने किल्स उठाता है तुम्हारा भाई। और ये मतलब मिरर वर्ल्ड के बाद जब हम सेकंड टाइम ऊपर जाते हैं, उसमें शायद मेरा बेस्ट गेम प्ले था,
क्योंकि यहाँ पर आते हैं मेरे 6 से 7 किल्स, जो कि बहुत ही अमेजिंग चीज़ होती है। यहाँ पर मैं काफ़ी ज़्यादा किल चोरी करता हूँ, बट यार किल अपना है, डैमेज तो क्या बॉट भी दे देता है, असली बंदे वो होते हैं जो किल चुराते हैं। मुझे पता है किंग एंड ब्लू का डायलॉग है, बट तुम्हारे भाई ने अभी तो चोरी कर लिया है, बट तो अभी से मेरा डायलॉग है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बंदे को डैमेज देता हूँ और जल्दी से जिस जिसके भी किल होते हैं मैं उनके चुरा के यहाँ पे पीछे आ जाता हूँ, जिससे उन बंदे को पता ना चले कि उनके किल कौन चुरा रहा है। और यहाँ पर मैं काफ़ी ज़्यादा बंदे मारता हूँ गाइज, मैं तब तक आपको फिर से याद दिला देता हूँ, 20 वर्ल्ड पास का गेम अवे चल रहा है, जल्दी सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट से बताना वीडियो कैसी लगी, और वीडियो को बिना स्किप करे पूरा देखना, क्योंकि मैं आपको कभी भी बीच बीच में इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ अच्छी अच्छी। चलो एक इन्फॉर्मेशन अभी दे देता हूँ कि गाइज गेम अवे का विनर अनाउंस होगा 10K सब्सक्राइबर पर। जैसे मेरे 10K सब्सक्राइबर हिट हो जाएंगे तो वीडियो को शेयर आप जितना करोगे उतने आपके चांसेस बढ़ेंगे कि आप गेम अवे जीत सको। आप लोग अंधा शेयर करो, अपने पापा मम्मी एक्स की एक्स गर्लफ्रेंड की गर्लफ्रेंड को भी शेयर कर दो, जिसको शेयर कर सकते हो करो, बट शेयर करो। यहाँ पर मैं 9 बंदे ऑलरेडी मार चुका होता हूँ, और यहाँ पर मेरा टीममेट जो होता है वो बोलता है कि यार उस पर बंदे और वो बंदा उसे मारने वाला है, तो मैं जल्दी से उसे कवर देने का ट्राई करता हूँ। मेरी हील बहुत ज़्यादा कम होती है, तो पहले अपन हील उठाते हैं और अब देखो मैं इस बंदे को कैसे मारता हूँ। बंदे को बड़ी मुश्किल से मारते हो यार, इस बंदे के पास वो वाला हैमर था भाई, इसको मैं कैसे मारता हूँ सिर्फ मुझको पता है। बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है इसको मारने में, और तभी मेरी हीलिंग वैसे ही बहुत ज़्यादा कम होती है, और तभी मुझे पीछे से भी कोई मारने स्टार्ट कर देता है। अब आप देखो इस बंदे को मैं कैसे मारता हूँ, आप लोगों को मज़ा आ जाएगा। वॉइस ओवर इसके बाद करता हूँ, तब तक आप देखो मैं इसको कैसे मचाता हूँ। तो ऊपर में एक बंदे को मारता हूँ, तब यार पीछे से एक बंदा आके मुझे मार देता, वरना ऊपर का गेम प्ले आपको कैसा लगा जरूर कमेंट से बताना, और लाइक कर देना अगर आपको ऊपर वाली चीज़ पसंद आया, अगर जो मेरे ऊपर जो है किल चोरी करा अगर आपको वो चीज़ पसंद आई हो तो यार जल्द से कमेंट कर देना कि भाई मज़ा आ गया, या कुछ भी अच्छे से कमेंट कर सकते हो, और इससे शायद आपको रॉयल पास जीतने में ज़्यादा हेल्प हो। तो जल्दी से लाइक कर देना, जल्दी से सब्सक्राइब भी कर देना। अब मुझे वहाँ पर गाड़ी स्पॉट होती है, हम यहाँ पर गाड़ी से यहाँ आ जाते हैं पहाड़ पे, और तभी मुझे आवाज़ आती है कि एक डासी आ रही है। अब इस डासी को काफ़ी स्प्रे देता हूँ, और शायद इस डासी का हर बंदा 1 HP होता है, बट एक भी बंदा नॉक नहीं होता है। मुझे नहीं पता कैसे नहीं हुआ, आप देखो मैं कितने हेड्स पड़ते हैं उन लोगों को, बट ये बंदे नॉक नहीं होते। 3 से 4 हेड पड़े हैं, अब यार 3 से 4 हेड में कोई कैसे नॉक नहीं हुआ, उसके बाद ही मैंने उनको कम से कम 5 या 6 बॉडी मारी है। मुझे नहीं पता एक क्या सीन था, बट अभी तुम्हारे भाई का एक बहुत ही सेक्सी सा क्लच आने वाला है, तो देखना मत भूलना। अभी मेरा टीममेट कहता है कि वो बग्गी लेके आ रहा है और बग्गी में बैठ के चलते हैं, तो बग्गी लेके आता है, हम थोड़ा आगे की तरफ जाते हैं, हमें लगता है कि वो बंदे स्क्वाड हाउस में होंगे, बट एक्चुअली बंदे स्क्वाड हाउस में नहीं होते, बंदे ओपन में जाके अपना कवर बना के हमारे पे ट्रैप बिछा रहे होते हैं। तो गाइस ये वीडियो बहुत खतरनाक था अभी तक, मुझे पता है आपको बहुत मज़ा आएगा। अगर आपको ऐसे चैलेंजेस देखने तक कमेंट से बताओ कि नेक्स्ट चैलेंज में कौन सा रखूँ। सबसे पहला क्वेश्चन है मेरा कि कमेंट से बताओ कि मैं नेक्स्ट चैलेंज कौन सा रखूँ, कोई सा भी चैलेंज आप बता सकते हो, मैं ट्राई करूँगा कि मैं उस चैलेंज को करूँ, उस चैलेंज को जल्दी जल्दी करके आप लोगों के सामने लाऊँ। रोज वीडियो आती है आप लोगों को पता ही है, तो जो भी आप चैलेंजेस बोलोगे उसी में से कोई ना कोई चैलेंज पिक करूँगा। तो ये पहला क्वेश्चन है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये क्वेश्चंस क्यों पूछ रहे हैं हमसे, तो उसका भी रीज़न मैं भी आपको बताऊंगा। पहले ये मेरा क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन, यार आप लोगों को वॉइस ओवर कैसा लग रहा है, पुराना वाला वॉइस ओवर अच्छा था या फिर ये वाला वॉइस ओवर अच्छा है, ये चीज़ मुझे बताना, क्योंकि उन्हें माइक चेंज करा है, तो ये दोनों चीज़ मुझे बताना मत भूलना। अब आप लोगों से ये बताता हूँ कि मैं क्वेश्चन क्यों पूछ रहा था। गाइस आप लोगों को याद होगा कि मैं अभी तक क्यों आप लोगों से बोल रहा था कि यार वीडियो को एंड तक देखते रहना, वीडियो को एंड तक देखते रहना, तो गाइस वो इन्हीं क्वेश्चन की वजह से था। अब आप बोलोगे यार क्वेश्चन था तो इससे हमारा क्या है, तूने हमें फंसाया वसाया, तो गाइस ऐसा कुछ नहीं है। ये क्वेश्चंस इसलिए पूछे गए हैं कि मुझे समझ आएगा कि कौन से लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देख रहे हैं, कौन से लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये आप लोगों के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे जो भी क्वेश्चंस के आंसर कर रहे हैं। तो इसमें जो क्वेश्चंस पूछे हैं, जो भी उन लोग उस चीज़ों के आंसर्स करेक्टली देगा और रोज़ रेगुलरली देगा, क्योंकि जैसे 10K तक ये चीज़ होने वाली है, तो उनके चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे रॉयल पास जीतने के लिए। तो गाइस यार वीडियो को एंड तक देख लेना। अब यहाँ पर ऊपर की तरफ एक बंदा होता है और मेरा टीममेट यहाँ पर नॉक हो जाता है, इस बंदे पर जल्दी से एक नॉक देता हूँ, और ये नॉक कैसे लगा बताना, और अभी देखना तुम्हारा भाई इसके टीममेट को कैसे मारेगा। ये वाला गेम अनफॉर्चुनेटली चिकन नहीं हो पाता है, क्योंकि हम 2v4 थे और हमारा सैंडविच या हो जाता है, बट यार ये गेम प्ले मज़ेदार था। देखो इस बंदे को अपन जोन में मतलब स्मोक में नॉक करते हैं, और ये चीज़ तो यार काफ़ी अच्छी थी, क्योंकि उससे मैंने एक हेड एक बॉडी विदाउट देखे मारा, सिर्फ साउंड सुन के। तो यार इस चीज़ के लिए लाइक करना बनता है, क्वेश्चन के जवाब देना मत भूलना, ये चीज़ मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, क्योंकि आपके रॉयल पास जीतने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। इस बंदे को मैं जल्दी से फिनिश करता हूँ, और यहाँ पर आ जाती है उन बंदों का रश, उन बंदों का कौन से बंदे जो
हमने जिन पे रश करा था, जो बग्गी में आए थे आप लोगों को याद होगा, हम अभी उन बंदों का रश आ जाता है और वो आते पूरे चारों और स्प्लिट होके आते हैं और यहाँ पर मैं मर जाता हूँ, क्योंकि यार आप समझ ही सकते हो जब पूरे चार बंदे आएंगे, मैं इस बंदे को 1 HP करता हूँ जो पेड़ पे होता है और यहाँ पर मैं गलती कर देता हूँ। अब थर्ड क्वेश्चन एंड आखिरी क्वेश्चन कि ये गलती क्या होती है, अगर आपने सबका सही आंसर दिया तो शायद आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, बाय बाय एंड टेक केयर।